हेलो, आज चलो बनाते हैं रोटी से एकदम देसी स्टाइल में एक टैकोस। देसी टैकोस बोल सकते हैं हम इसको। एनीवे चलो बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है गाजर एंड खीरा को कद्दूकस कर लिया। एंड इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा शिमला मिर्च, प्याज एंड टमाटर छोटा छोटा चॉप करके। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च को भी छोटा चॉप कर लिया। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर दिया एज पर टेस्ट नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा मेयोनीज दिया। एंड इसके बाद दिया है थोड़ा सा केचप। केचप का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना। बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा वाला पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हो, बट इसमें ज़्यादा केचप अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने दिया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स एंड मिक्स हर्ब्स या ऑरिगैनो, जो भी आपके पास है। फिर मैंने 4 से 5 छोटा छोटा चिकन के पीसेस लिया है, जो मैंने थोड़ा सा नमक एंड हल्दी दे के ऑयल में फ्राई करके रख दिया था। इसको हम हाथों से ही तोड़ेंगे, क्योंकि हाथों से तोड़ेंगे तो छोटा छोटा बाइट आता है, जो मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने लिया एक प्रोसेस चीज़ की क्यूब, जिसको मैं बहुत अच्छे से ग्रेट करूँगी। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद करते हो तो आप 2 क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको मोज़रेला चीज़ पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे एंड एकदम स्टफिंग हो गया तैयार। एंड इसको आप स्टफिंग को तैयार करके ना 1 दिन या 2 दिन भी स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। अब हम लेंगे एक रोटी, उसके अंदर पे दे देंगे स्टफिंग, ऊपर से हम देंगे एक प्रोसेस चीज़ की स्लाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद नहीं है आपको तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। तो इसके बाद ये स्लाइस देने के बाद रोटी को ऐसे जस्ट बंद कर देंगे। एंड इसके बाद हम इसको बटर में थोड़ा सा बटर दे के फ्राई करेंगे। एंड अगर आप चाहो तो लाइक बटर अगर स्किप करना चाहते हो या अवॉइड करना चाहते हो, तो फिर आप जस्ट नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में ही इसको फ्राई कर सकते हो। बट इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करके फ्राई करना है, क्योंकि ये क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लेना एंड फिर मज़ेदार सी ये स्नैक्स इंजॉय करो गरम गरम। अंदर पे चिकन एंड ये जो स्टफिंग का टेस्ट है, एंड उसके साथ एक बहुत बढ़िया सा चीज़ मेल्ट होके जो टेस्ट निकला है ना, इसका बहुत बढ़िया बना था। तो गजब का टेस्ट था इसका। तो डेफिनेटली ट्राई करना ज़रूर, एक बार बनता ही है। एंड ये बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसमें काफ़ी सारा वेजीज है एंड चिकन है, तो ये हेल्दी है। तो डेफिनेटली ट्राई करो एंड ट्राई करके मेरे साथ शेयर करो कि आपको कैसा लगा। इसका टेस्ट चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।